अब एक और जगह पे आके रुके हैं, सी नोकिया, नोकिया स्टेट पे सैंडस्टॉर्म हमारी तरफ बढ़ा है। सऊदीया के एक बकाले में है। So I think we marked the end of the base camp. No entry? We have another check post here. तो अब हम बस वाले को कहते हैं कि लाइट बंद कर दो। अभी भी लाइट क्लोज, लाइट क्लोज, शुक्रन। अभी जिस इलाके में है वो शर्मा है, इट्स कॉल्ड शरामा, शरामा शरामा इलाका है। और यहाँ पे हम हैं, तबूक से निकले हैं गोइंग टूवर्ड्स नियोम, और रास्ते में ये एक इलाका है शरामा, वहाँ पे हम रुके हैं टू बाय द सिम कार्ड्स, क्योंकि नेटवर्क नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो ये लास्ट पॉइंट है जहाँ से हम सिम कार्ड ले सकते हैं, उसके बाद सिम कार्ड हमें नहीं मिलेगा। तो भाई साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मेरे पास तो सिम कार्ड नहीं है, हालांकि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वी हैव सिम कार्ड्स। अब एक और जगह पे आके रुके हैं, सी नोकिया, नोकिया स्टेट पे, सो वी विल आस्क देम इफ दे हैव द सिम कार्ड्स। अस्सलाम वालेकुम, आपके पास सिम कार्ड है? सिम कार्ड है, है? एसटीसी का है? एसटीसी नहीं। कौन सा है? मोबाइल ही है। मोबाइल ही और मोबाइल और फैंडी। But does mobile work here? मोबाइल यहाँ पे काम करता है नियोम में? सही काम करता है, डाटा काम करता है उसका, 4G? हाँ, सही है वो। हम मोबाइल शॉप में आया यहाँ पे और कैंसेट को बाय कर रही है, उसको मोबाइल चाहिए और यहाँ पे एचटीसी नहीं है, सो वी आर बाइंग मोबाइली। सो यहाँ पे सिम कार्ड है लेकिन उसके पास बैलेंस नहीं है। वी गो टू सम बकाला, देयर वी गो टू द बकाला एंड आई विल आस्क फॉर द रिचार्ज, बिकॉज यस, ये स्मॉल स्मॉल विलेजेस, ये सऊदीया से तबुक से काफ़ी दूर है और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सिम कार्ड का और बैलेंस का बाय करने का है। सो विल गो टू सम बकाला, वी विल आस्क। आपके पास बैलेंस है यार? मोबाइल का बैलेंस है? मोबिली का है? है। अच्छा, उसका दे दो बैलेंस। कितना? हाउ मच यू वांट? यू डोंट हैव टी, एसटीसी। एसटीसी? सिम कार्ड, सिम कार्ड भी आपके पास? नो, नॉट दिस। सो मोबिली टॉप अप। हाउ मच टॉप अप यू वांट? आई आई वांट टू मेक लॉट्स लाइक डेटा एंड कॉल्स। कोई ऐसा पैकेज है जिसमें डेटा और कॉल दोनों हो सके? पैकेज यू कैन चेक इन द मोबाइल सॉफ्टवेयर, नॉट इन द। सो कार्ड सेम सेम है सारा? सेम सेम। वी हैव टू रीचार्ज इट एंड यू कैन गो टू द मोबाइल एंड सेलेक्ट द पैकेज फ्रॉम देयर। मोबाइल इन द सॉफ्टवेयर, इन द मोबाइल। मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर है ना। सऊदीया के एक बकाले में है, हम यहाँ से पानी खरीदेंगे। We have water, we have recharge, now we're going. हमें यहाँ से पानी मिला है और रिचार्ज मिला है। ये जमाल है, हमारे ड्राइवर हैं। रेड रोड बोल रहे हैं कि कल बनाया ये और सीने थोड़ा सा कल बनाया है, थोड़ा सा कल बनाया है। अच्छा, ये रोड है जो हमें नियोम लेके जाएगा, नियोम बेस कैंप, एंड
there's some solar panels here. We have another check post here. क्योंकि हमारे पास आगे पासेस नहीं है अभी, हमारे हमने आगे अंदर से जाके कलेक्ट करने हैं पासेस. So we are waiting outside here to get the. Hi. I am sitting. Okay, so I think we might be at the base camp. No entry. No entry. No. Okay, Abhi, shukran. I am sitting. No problem. No problem. अभी हमें हमें पता चल गया कि हमने किधर जाना है. हमें स्टेडियम के पास जाना है. हम कैंप में आ गए हैं. चलो भाई, we'll go back to the stadium now. यहाँ पे हमारे मीडिया पासेस पड़े हैं, वहाँ से हम मीडिया पासेस कलेक्ट करेंगे. And then hopefully we are in. Thanks so much. And then just to double check, breakfast is 8 until 11. 7 to 11. Okay, great. Thank you. Perfect. Thanks. Bye. पहुंच गए जी न्यू. यहाँ पे मीडिया पासिस बनाएंगे अपने और फिर आगे जाएंगे जहाँ पे इवेंट हो रहा है, जहाँ पे वेकबोर्ड, बीच सॉकर, बीच रग्बी होगा. तो इस गाड़ी में आए हैं, जमाल लेके आए थे हमें. अब हम जाएंगे अंदर, जाके अपने मीडिया पासिस लेंगे. पास मिल गया जी. गेम बेस कैंप जहाँ पे हमने अपना मीडिया पास उठाया है. These are the people who are organizing this. Basically, Saudi, क्या करना चाह रहे हैं वो, इस जो एरिया है नयूम, ये जो शाम के बॉर्डर पे है, जो कि आप अभी देख रहे हैं, इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये नयूम स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो कर रहे हैं. तो इलाका अच्छा है, बीचेस हैं, माउंटेन्स हैं, वेदर इज़ नाइस. सो देखिए, न्यूम के कैंप में आ चुके हैं और आना मुश्किल था बिकॉज हमारे पास जो था उसमें वी डोंट हैव द नंबर. 5 बजे पहला मैच है और उसको कवर करेंगे हम. काफ़ी अच्छी मुझे तस्वीरें मिली हैं, बड़े अच्छे एक्शन शॉट्स मिले हैं रग्बी के, सॉकर बीच रग्बी के और बीच सॉकर के. तो आज का दिन तो ख़त्म होने वाला है, तो कल फाइनल्स हैं. तो कल फिर देखेंगे कि हम अपना ट्रैवल कैसे करते हैं. पैकअप हो गया है, पैकअप हो गया है और अब बसेस में बैठ के हम बेस कैंप जाएंगे. वहाँ पे हमारी गाड़ी जो मैं लेके आई थी तबूक से, उसमें बैठ के हम जाएंगे वापस तबूक होटल में. ये बस में बैठ गए हैं और ये माइक दिया है एंजल ने मुझे. एंजल इज हियर. सो वी आर गोइंग बैक टू द बेस कैंप. वी आर वेटिंग फॉर एंड हियर कैंडिस कम एंड नाउ वी आर गोइंग. इवेंट लोकेशन से 2.5 घंटे की मुसाफत के बाद वापस होटल पहुंच गए हैं. बहुत थकावट हो चुकी है और पहुंच गए हैं होटल. अब सामान रखेंगे जाके और थोड़ा रेस्ट करेंगे और कल की तैयारी करेंगे. टुमारो इज़ द लास्ट डे ऑफ नयूम एक्सट्रीम स्पोर्ट्स. सो सुबह हमें 12 बजे निकलना है दोबारा नयूम के लिए. तो तब तक के लिए गुड नाइट. कहते हैं नाश्ता अच्छा करना चाहिए. नाश्ते का स्टार्ट फ्रूट से करें और उसके बाद जो खाना खाएं. बाद में फ्रूट खाना अच्छा नहीं होता, तो मैं पहले ही फ्रूट खा रहा हूँ. अब मुझे फ्रूट खाने दो. सेकेंड डे एंड लास्ट डे ऑफ नयूम. आज बस पे जाएंगे क्योंकि लोग ज़्यादा थे. दो चाइनीज़ यूट्यूबर्स आए हैं, वो भी हमारे साथ जाएंगे. एंजल है, अपनी कुछ जुगाड़ कर रहा है. चौथा
इस होटल में ठहरे आए हैं स्विस इन, तो हमारे छोटे से ड्राइवर हैं साथ हमारे, जो हमें न्यूम लेके जाएंगे। साथ साथ आपको तबूक सिटी भी दिखा देते हैं। ये तबूक सिटी है, ये वेस्टर्न रीजन है सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे एक छोटा सा सिटी है तबूक। और यहाँ पे बताया गया है कि सर्दियों में 0 डिग्री होता है, मतलब कि बहुत ठंड होती है। और आजकल गर्मियाँ हैं तो, लेकिन यहाँ का वेदर 30-34 है, ठंडी हवा चलती है यहाँ पे, तो इट्स नाइस सिटी, काफ़ी ग्रीन सिटी है ये तबूक। और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ग्रीन होगा, काफ़ी ग्रीन ही है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जी ये, और ये है रियल स्टेट समथिंग, और ये आपके मिनिस्ट्री में ख्याल से, ये जिस रोड पे हैं वहाँ पे सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं। और ये कौन सा रोड है ये बाद में हम आपको गूगल से देख के बताएंगे। और जो ही आपको पहाड़ नज़र आने शुरू हो जाएँ, ये पहाड़ नज़र आने जब शुरू हो जाएँ आपको, तो समझ लेंगे आप किसी भी सिटी से बाहर निकल चुके हैं। साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो इधर कोई और ही नज़ारा है। इस तरह के सैंड स्टॉर्म होते हैं जो कभी भी शुरू हो सकते हैं जी। ये देखें, ये अचानक से सैंड स्टॉर्म शुरू हो गया और ये हमारी तरफ ही आ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, और लगता है कि ये हमें हिट करेगा। ड्राइवर ने स्लो कर लिया गाड़ी और ये सैंड स्टॉर्म हमारी तरफ बढ़ रहा है, और ये बड़ा होता जा रहा है, और गाड़ी हमने बहुत ही स्लो कर ली है। और ये जो सैंड स्टॉर्म गुजरा था उस तरफ जाके उसने एक नया रूट ले लिया, और ये थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा खुद ही। साथ साथ मैं जितना पॉसिबल हो सके साथ में स्टिल फोटोज़ भी ले रहा हूँ, निकॉन D5, और इसके साथ मैं लेंस लगाया हुआ है 80-80-400, इट्स अ वेरी नाइस लेंस। दूसरा कैमरा में मैंने निकाल लिया है, मोनोबोर्ड पे लगा लिया है, तो इससे ज़रा आपको पहाड़ों के क्लोजअप्स और रोड्स के क्लोजअप्स हैं और जो ब्यूटी ऑफ सऊदी अरेबिया है वो दिखाते हैं। ये पहाड़ देखें आप, आपको ऐसा लग रहा होगा इनके ऊपर शक्लें बनी हुई हैं। कल भी हम ये देख रहे थे के बड़े अजीबोगरीब यहाँ पे पहाड़ हैं, लगता है किसी ने तराशियाँ हुई हैं पहाड़ ये वाले। तो आगे भी कुछ पहाड़ आ रहे हैं, वो बहुत तरह के हैं, उनकी खूबसूरती और है। बीच में उनके रेत है और साइडों पे ब्लैक कलर के पहाड़ हैं। और यहाँ से हम राइट लेंगे नियम की तरफ, ये शर्मा सिटी है, बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं। ये है जी वो एग्ज़िट जो लेके हम नियोम बीच की तरफ जाएंगे। पीछे बोर्ड भी लगा हुआ था कॉर्निश का, तो दैट मीन्स कि ये फ्यूचर का कॉर्निश है नियोम का, यही रोड जाया करेगा। लेकिन ये साइड से ये सारा कुछ हटा देंगे और इसको बहुत अच्छा डेवलप करेंगे। और बस थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई है तो हम आपको दिखा देते हैं। ये है जी नियोम, दिस इज़ नियोम, जो कि फ्यूचर में सिटी बनने वाला है। ऑल ओवर देर यहाँ पे सारा बिल्डिंग्स बनेंगी, स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मॉल्स बनेंगे, और वो सामने बीच भी आपको नज़र आ रही है। लेट मी शो यू, ये बीच है और वो पीछे इन दरख्तों के पीछे स्टेडियम बनाया हुआ है जहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है। एंड दिस इज़ द एरिया जो डेवलप होने वाला है। दिस इज़ द बस जिसमें हम आए हैं, और ये हमारी पियर है कैंडिस, जिसने सारा ऑर्गेनाइज़ किया है। दो नए यूट्यूबर्स आए हैं चाइना से, अर्जेंटीना से, उनके पासिस बनवाने ये गई है। यह एक्रेडिटेशन सेंटर है नियोम का, छोटा सा। अभी से आपको बता दूं कि ये एरिया फ्यूचर में सऊदी अरेबिया की टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी और बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है ये एरिया। मैंने अभी आपको व्यू दिखाया है और भी दिखाऊँगा आपको मैं। और ये एरिया हम पहुँच गए हैं स्टेडियम में, इट्स अ टेम्परेरी स्टेडियम यू कैन से। बुरी से अभी वॉशरूम जाएंगे क्योंकि 3 घंटे से वॉशरूम नहीं गया है, और हालत आपको पता हो सकती है कैसी होगी। सामान रखेंगे ऊपर अपना हॉस्पिटैलिटी एरिया में,
and then I'll go to the washroom. Now we're headed to Tabuk, and tomorrow our flight will be at 6 p.m. Okay. We will leave the hotel at 4 p.m. But before that, we will enjoy the pool. आज final day था Neum Sports Extreme Sports का cover हो गया है सब कुछ pack up हो गया है अब हम जा रहे हैं वापस Tabuk from Neum कल flight है हमारी 6 बजे की to Jeddah Tabuk to Jeddah, Jeddah to Dubai. So, तो अब हम बस वाले को कहते हैं कि लाइट बंद कर दो. अभी भी लाइट क्लोज. लाइट क्लोज. शुक्रन. हम लेट हो गए थे और रेस्टोरेंट बंद हो गया था. तो हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैनेजर ने दोबारा से खाना लगवाया. वो खाना क्या लगवाया है मैं आपको दिखाता हूँ अभी. स्पेशल थैंक्स टू द मैनेजर जिसने हमारे लेट आने पर भी क्योंकि हमारी बस लेट हो गई थी तो हमारे लिए ये खाना लगवाया है. हम दो लोग हैं और भाई साहब ने इतना ज़्यादा खाना लगवा दिया है जिसमें से हमें सिर्फ थोड़ा सा ही खाना है. सो अगेन स्पेशल थैंक्स टू स्विस इन होटल. मेन लंबा दिन था वो तो आज ख़त्म हो गया है और रेस्टोरेंट से आते आते मैं अपनी वाटरमेलन ले आया हूँ. सामान रख दिया है और नींद बहुत आई हुई है और नमाज पढ़ के बस शब खैर. आज हमारा लास्ट डे है तबुक में. आज रेस्ट करेंगे. अभी नाश्ता कर रहे हैं उसके बाद रेस्ट करेंगे और पैकअप करेंगे लंच करेंगे और तबुक से जद्दा आ जाएंगे और वहाँ से दुबई. तो मिलते हैं नाश्ते के बाद. कहते हैं कि पूल अगर आपको अवेलेबल हो तो नहाना ज़रूर चाहिए तो हम भी वही काम करने वाले हैं. ये कोल्ड पूल है और वो वहाँ पे पीछे हॉट पूल है. ओए होए यार ये बड़ा गर्म ही. इट्स नाइस. It's really nice, guys. थकावट उतारने का मौका मिल गया और वही उतारेंगे. एंजल कह रहा है जिंदाबाद बिकॉज इट इज़ लिटल हॉट फॉर हिम. तो बार बार बोल रहे हैं जिंदाबाद लेकिन फिर भी अंदर नहीं आ रहा है. जिंदाबाद. सामान पैक कर लिया मैंने. कैमराज भी पैक कर लिए हैं. लैपटॉप भी कर लिया है और लंच भी आ गया है और अभी लंच करते हैं और उसके बाद चलते हैं एयरपोर्ट. तो इस टाइम मैं बैठा हूँ तबुक एयरपोर्ट पे. बोर्डिंग हो गई है और एक छोटा सा प्रॉब्लम आया था ट्राईपोर्ट का. ट्राईपोर्ट हैंड कैरी नहीं करने दे रहे थे. मोनोपोर्ट था एक्चुअली. तो उन्होंने कहा था कि इसको आप लगेज में गई. तो मैंने लगेज में भेज के ऊपर आके वेट कर रहा हूँ. ये जाते जाते आपको तबुक सिटी भी दिखाता हूँ मैं. ये छोटा सा सिटी है. ये उसका एयरपोर्ट है. ये एयरपोर्ट की तबुक एयरपोर्ट की पार्किंग है. वेदर बहुत अच्छा है. लवली वेदर है. यहाँ पे हमें होटल वाले बता रहे थे कि सर्दियों में ज़ीरो भी हो जाता है. मतलब कि बहुत सर्दी होती है सर्दियों में यहाँ पर. टाइम मैं मौजूद हूँ
किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट जद्दा पे, और सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट से तबूक से जद्दा आया हूँ। और यकीन माने कि पहली दफ़ा ट्रैवल किया है मैंने सऊदी एयरलाइन की, सऊदी एयरलाइन पे, तो वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन, बहुत ही अच्छी सर्विस थी इनकी, हॉस्पिटैलिटी वेरी गुड, प्लेन सीटिंग इकोनॉमी में उन्होंने लेदर सीटिंग दिया हुआ है, तो अमेजिंग फ्लाइट एक्सपीरियंस विद सऊदी एयरलाइन। सऊदी आने के बाद भी आप अगर अलबैक ना खाएं तो ये आपकी बदकिस्मती होगी। तो मैं जद्दा एयरपोर्ट पे हूँ और हमने अलबैक ऑर्डर किया है, ये देख लें ये सारी लाइन लगी हुई है, हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया है। और ये क्या क्या किया ऑर्डर ये आपके सामने है। जद्दा एयरपोर्ट पे जो मज़े की चीज़ देखने के मिली है वो ये स्वीट्स हैं, और ये एक ब्रांड है मनीष बेकरी, और इसके जो डिज़र्ट्स हैं वो अमेजिंग है, आई कैचिंग है, माउथ वाटरिंग है। तो अगर आप जद्दा एयरपोर्ट पे आएँ तो मनीष बेकरी को ज़रूर ट्राई करें। ये आप देख सकते हैं कि जद्दा एयरपोर्ट के, अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट के अंदर ही टर्नल्स हैं, यहाँ पे पैसेंजर्स को बसेस में लेके जाते हैं, और मोस्टली यहाँ पे जो जहाज़ हैं वो एयरपोर्ट से मतलब के लाउंज से काफ़ी दूर होते हैं, तो यहाँ पे पैसेंजर्स को, क्योंकि यहाँ पे हाजी आते हैं, उमरा करने आते हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बसेस के रूट्स बनाए हुए हैं, और ये टनल्स हैं, टनल से गुज़र के जो बसेस हैं वो आपको प्लेन्स तक पहुँचाती हैं, और ये बसेस की ट्रैवलिंग 25 टू 30 मिनट्स की होती है। और आपको अंदर से भी प्लेन दिखाऊंगा मैं कि सऊदी एयरलाइन का प्लेन कैसा है, मेरे ख्याल से ये उसी तरह का प्लेन है, तो अंदर से जाके मैं दिखाता हूँ आपको। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इकोनॉमी क्लास है, लेदर सीटिंग है, और बहुत अच्छा इनका सेटअप है। प्लेन में बैठ गए और 45 के मेरा नंबर था सीट का, साथ में कोई बैठा हुआ है लेकिन पता नहीं किधर है वो। तो अब 11:15 पे हम उड़ेंगे दुबई के लिए, और इंशाल्लाह 2 घंटे 20 मिनट में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच जाएंगे, तो मिलते हैं दुबई में। के साथ पहले जिक्र किया था मैंने सऊदी एयरलाइन की हॉस्पिटैलिटी का, तो ये इनका मील है जो ऑन बोर्ड ये सर्व करते हैं, दो ऑप्शन थी चिकन और फिश, मैंने फिश चूज़ की है, इसके अंदर फिश विद राइस है, ये एप्पल जूस है, ये सैलड है, ये ब्राउनी डिज़र्ट है, ये पानी है, ये पान है, ये बटर है। सो दिस इज़ यू कैन गेट सऊदी एयरलाइन व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। बैक टू दुबई नाउ, फ्लाइट आधा घंटा लेट थी बट फिर भी टाइम से ही पहुँच गई। तो रात के सुबह के 3:30 है अभी, दुबई एयरपोर्ट से हम ऑफिस जाएंगे, ऑफिस गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ से गाड़ी पिक करेंगे और घर जाएंगे। लो जी, एक प्रॉब्लम हो गया है कि मेरा जो लगेज जो मैंने बुक करवाया था, कार्गो करवाया था, वो नहीं आया, और भी पैसेंजर्स का लगेज नहीं आया। अब सुबह एक फ़्लाइट आ रही है 10 बजे, तो उसमें हो सकता है आएगा, उसमें मेरा कैमरा भी था और बाकी सामान हैंड कैरी किया था, वो तो मेरे पास ही है, लेकिन शायद जद्दा से जब कनेक्टिंग फ़्लाइट लिया तो उन्होंने बैग कनेक्ट नहीं किया है, और कई पैसेंजर्स के बैग नहीं आए हैं। तो फॉर्म फिल करने के बाद दुबई एयरपोर्ट पे इंफॉर्मेशन बैगेज इंफॉर्मेशन में अपने कंप्लेंट लिखाने के बाद अब हम जा रहे हैं, टैक्सी लेके ऑफिस जाएंगे और ऑफिस से अपनी गाड़ी लेंगे, और होपफुली टमोरो मॉर्निंग 10 AM एक फ़्लाइट आ रही है, उसमें हमारे बैग आ जाएंगे। बैक टू द स्टेशन जी, सुबह हो गई है, आई एम गोइंग टूवर्ड्स होम, गाड़ी ले ली है और मैं घर जा रहा हूँ।
नाउ वी आर बैक टू अवर कैंप। आज हमारी आखिरी सफारी थी मॉर्निंग की और अब यहाँ से हम जाएंगे नैरोबी फ्रॉम ए लोकल प्लेन, स्मॉल प्लेन, और वहाँ पे एक दिन स्टे करेंगे और उसके बाद जाएंगे दुबई। सो विल सी यू इन अ शॉर्ट ब्रेक।